हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल DRS रविंद कुमार के वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे एल्कारेट लिक्विड के बारे में। एल्कारेट लिक्विड एक दवा है जो गठिया और किडनी स्टोन के इलाज के लिए किया जाता है। यह शरीर में यूरिक एसिड का उत्पादन रोकता है और गठिया के अटैक को कम करता है तथा किडनी स्टोन की संभावनाओं को रोकथाम करता है। तो आज हम एल्कारेट लिक्विड के बारे में ही बात करेंगे। ज़्यादातर इसका यूज लोग किडनी स्टोन और गठिया रोग में कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, कभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एल्कारेट लिक्विड जो होता है, भोजन के साथ या भोजन के बिना भी लिया जा सकता है। यह आपके पेट की गड़बड़ी से भी बचाता है। इसे नियमित रूप से लें और अगर आप बेहतर भी हो जाते हैं तो तब भी इस दवा को लेना ना बंद करें, जब तक कि आपके डॉक्टर इसे रोकने को नहीं बोलते हैं। इस दवा के कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। एक बात आप लोग श्योर कर लें यानी सुनिश्चित कर लें कि यह दवा आपके लिए सुरक्षित है या नहीं। तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को उन सभी दवाओं के बारे में बताएँ जिनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। अगर आपको हृदय, किडनी या लीवर से जुड़ी समस्या है तो अपने डॉक्टर को भी बताएँ। अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लें। जो हमारा एल्कारेट लिक्विड होता है, इसमें एक कंपोजिशन मिलाया जाता है हाइड्रोजन सिट्रेट लिक्विड, जो कि 100 ml में बॉटल आती है, मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है। जो ये लिक्विड होता है एल्कारेट जो 100 ml में, इसका जो प्राइस होता है 83 रुपये होता है, यानी 83 रुपीज़ इसकी प्राइस होती है 100 ml बॉटल की। बात करें मैन्युफैक्चरिंग की तो इस एल्कारेट लिक्विड की जो मैन्युफैक्चरिंग करती है उस कंपनी का नाम है मैक्लॉयड फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इस लिक्विड की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। बात करें अगर कंपोजिशन की, क्या इसमें कंपोजिशन मिलाए जाते हैं, तो इसमें एक ही कंपोजिशन मिलाए जाते हैं, डाई सोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट। तो जो डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट होता है, ये आपको 5 ml में 1.37 g/m मिला होता है। बात करें एल्कारेट लिक्विड के मुख्य इस्तेमाल इसके कहाँ किए जाते हैं, तो इसके जो मुख्य यूज होते हैं वह होते हैं आपके गठिया के उपचार में एंड गुर्दे की पथरी जो होती है यानी किडनी स्टोन होते हैं उसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। बात करें एल्कारेट लिक्विड के क्या लाभ होते हैं, तो एल्कारेट लिक्विड को गठिया की रोकथाम और इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गठिया आपके शरीर में बहुत अधिक यूरिक एसिड के कारण होता है। जब स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो क्रिस्टल कुछ जोड़ों यानी जहाँ जहाँ आपके ज्वाइंट होते हैं और आपकी किडनी व उसके आसपास बन सकते हैं। इससे आपको अचानक और गंभीर दर्द, लालिमा, गर्माइश और सूजन हो सकती है। यह दवा क्या करती है कि क्रिस्टल को बनने से रोककर और आपके रक्त में यूरिक एसिड के स्तर को कम कर देता है। इससे आप में जो लक्षण पैदा होने की संभावनाएं होती है वो कम हो जाती है और यदि ये लक्षण दिखते भी हैं तो ये हल्के हो जाते हैं। आमतौर पर यह बहुत क्रोनिक ट्रीटमेंट है और खुराक की पूरी होने तक नियमित रूप से इसको आप लेना चाहिए, यानी आपको अगर ठीक तरह से सही होना है तो आप इसको लंबे समय तक इसका उपयोग करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। बात करें अगर किडनी स्टोन के लिए, तो यह क्या करता है कि जो किडनी स्टोन होता है उसको निर्माण को रोकता है और छोटे पत्थरों को तोड़ता है जो बनना शुरू कर रहे हैं, यानी जिस जो पत्थर अभी बन ही रहे हैं, तो ये सिरप, ये जो लिक्विड होता है ये क्या करता है कि उन पत्थरों को तोड़ता है। और आपको कुछ ऐसे भी फल खाने हैं जो जिसमें साइट्रस जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे लेमन्स हो गया, ऑरेंज हो गया, और आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भी पीना होता है, जिससे क्या होता है कि किडनी स्टोन के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बात करें एल्कारेट लिक्विड के साइड इफ़ेक्ट, तो इसके सामान्य साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे पेट दर्द होना, थकान होना, डायरिया, मिचली आना, उल्टी होना, बार बार पेशाब करने की इच्छा होना। तो ये थे इसके सामान्य साइड इफ़ेक्ट। अब बात कर लेते हैं कि एल्कारेट लिक्विड का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो एल्कारेट लिक्विड जो होता है उसको आप खाने के साथ या खाने से पहले यानी भूखे पेट भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप इसको आप एक निश्चित समय पर ही लीजिए।
बेहतर रहेगा कि आप अगर एल्कारेट लिक्विड का यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं एल्कारेट लिक्विड किस प्रकार काम करती है। तो एल्कारेट लिक्विड जो होता है यूरिन अल्कलाइजर होता है, यह क्या करता है कि आपके मूत्र यानी जो यूरिन होता है उसका पीएच बढ़ाकर काम करता है, जिससे यह अम्ली होता है यानी जो एसिड होता है उसको नहीं बनने देता है, यानी कम बनने देता है, जिसकी वजह से किडनी को अतिरिक्त यूरिक एसिड से छुटकारा पाने में मदद मिलती है और गठिया और कुछ प्रकार के किडनी स्टोन को रोकथाम होती है। एल्कारेट लिक्विड क्या करता है कि आपके मूत्र पेशाब की जो पीएच होता है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके अंदर अम्लीय एसिड जो होता है उसकी मात्रा कम बनती है, जिससे यूरिक एसिड बहुत मात्रा में नहीं बनने पाता है और आपको किडनी स्टोन से रिलीफ मिलने लगता है, यानी जो किडनी स्टोन होती है उसके बनने की चांस कम हो जाती है। बात करें इससे कुछ संबंधित सलाह, इसके कुछ वार्निंग होते हैं। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें लेने से पहले, और अगर आप गर्भवती महिला हैं तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं यानी स्तनपान करा रही हैं तो उनके लिए भी इस लिक्विड को लेना है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस दवा को लेना चाहिए। अगर आपको किडनी की बीमारी है तो आपको एल्कारेट लिक्विड का इस्तेमाल सावधानी के साथ करना चाहिए, नहीं तो आप अपने डॉक्टर के कंसल्ट पर ही यूज करना चाहिए इसको। और अगर आपको लीवर की भी बीमारी है तो आप इस एल्कारेट लिक्विड का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं इसके क्या इंट्रेक्शन है, यानी किस दवा के साथ इसको नहीं लेना चाहिए। तो पहला है एसोनोकोमेराल, वारफेरिन, फेनिडियोन। तो ये था आज का रिव्यू हमारा एल्कारेट लिक्विड के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन करें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।